बेटा बच्चों का जो सपोर्ट अभी भी हमें मिल रहा है इतना, मतलब झूठ बोलने के बाद भी इन लोगों के, उसके लिए मतलब सच बता रहा हूँ कि मुझे अब लग रहा है कि यार सच में मैंने 3 साल और हम लोगों ने 3 साल पढ़ाया और बैच में इतनी मेहनत करी है कि बच्चे अभी भी ये बोल रहे हैं कि यार सर आप पढ़ाओ हम आपके साथ हैं, पर मेंटली वो चीज़ फोकस नहीं हो रही है। ठीक है, कर रहे हैं उसको पूरा फोकस और करेंगे, और आज इस आखिरी मतलब जवाब में हम लोग सब कुछ बता देंगे कि हर एक इनके एलिगेशन का जवाब दे देंगे। और आपको मतलब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस कंट्रोवर्सी से बाहर निकालें और आपको पढ़ाने पे लगे, और हमने कल क्लास भी शेड्यूल करी थी पर इन्होंने क्लास मतलब होने नहीं दी, और आप ये समझो कि यार हमको आपसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि शायद मेरे बच्चे से ये अलग कर पाएंगे, हमारे बच्चे से हमें अलग कर पाएंगे। नहीं तो सर, बिल्कुल सर, एक्चुअल में हम लोग बेटा आपको कंट्रोवर्सी में रखना भी नहीं चाह रहे थे जब इन्होंने इतने झूठे आरोप लगाए, तो क्योंकि नीट का एग्जाम पास आ रहा है, हम भी चाहते हैं आप बिल्कुल फोकस्ड रहो। बस वो झूठे जो आरोप लगाए ना, बस उसके लिए कुछ आपको चीज़ें बतानी होंगी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ये वीडियो हम आपको बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद कोई हम कंट्रोवर्सी में नहीं फंसेंगे, ना कितना भी ये झूठे आरोप लगाएं हम उस पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ पढ़ाएंगे और आप सिर्फ पढ़ोगे। ठीक है, अब हमारे जो केमिस्ट्री वाले सर थे वो जो बोल भी रहे थे, अरे वो बहुत अच्छे टीचर हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे बढ़िया मित्र हैं, पर वो जिन सर के शब्द बोल रहे थे तो हमें लगा यार कि सर को मतलब खुद ही बोल देना था यार, ऐसा क्या कर दिया मतलब हम लोगों ने। और फिर यार चैनल पे स्ट्राइक मार रहे हो, मतलब मैं ये सोच गया इतना डर गए उस चैनल पे स्ट्राइक मार रहे हो यार, ये तो मत करो कम से कम, मतलब चैनल पे स्ट्राइक मत मारो यार। हमारे हमने क्या करा, मान लो हमने हमने क्या करा, हमने क्या किया लास्ट ईयर, आपको काफी बार मतलब रिक्वेस्ट करी कि सर ये चल रहा है ये चल रहा है ये हम बता देते हैं आपको, आप ऐसा कर लो, आपने कहा हाँ करते हैं पर कुछ नहीं किया, ये हुआ आप सर आपको भी पता है, और इसके मतलब प्रूफ्स भी हैं हमारे पास, पर हम क्या हमने क्या किया, हमने कैसे छोड़ा, हम बताते हैं आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं। कोई भी टीचर सेशन एंड पे छोड़ सकता है, बीच में नहीं छोड़ सकता, हमने भी सेशन एंड पे छोड़ा है, हमने 1 महीने पहले अपने सिलेबस खत्म होने के 1 महीने पहले आपको प्रॉपर नोटिस दे दिया। ठीक है, हमने बता दिया कि यार हम नहीं कर पाएंगे, उस 1 महीने में आपने जितनी बार भी बात की, हमने कहा कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, हमने कहा आप हमें बैच में लॉन्च करिए, हमने कभी भी नहीं बोला, तो हमने तो पहले आपको बता दिया। दूसरा, हमने बच्चों को क्यों नहीं बताया, हम अचानक से गए, हमने बच्चों को नहीं बताया क्योंकि बच्चे परेशान हो जाएंगे, बिल्कुल अब ये जानबूझ के अगर आपको ऐसे घसीटेंगे, आपके इमोशन का फायदा उठाएंगे तो मैं क्या ही बोल पाऊंगा यार। हम आपको हमेशा से पढ़ाने के लिए फोकस का, आप सोचो एक टीचर जो ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे कुछ महीनों के बाद छोड़ देना है, हाँ, उसके लिए इतनी मेहनत से बैच में पढ़ाना कितना मुश्किल होता होगा। कितना आप खुद मुश्किल, सोचो कि आपके लिए आसान होता है कि जब मतलब कुछ काम कर रहे हो आप और आपको पता है इस काम का कुछ नहीं मिलने वाला, आप अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ जाओगे, और ये करोड़ों की बात करते हैं ये। इन्होंने जो कंपनी में एक शेयर होते हैं ना उसकी कीमत मुझे बताइए कि सर आप 3 साल 4 साल बाद वो 24 करोड़ रुपए हो जाएगी, आप बोलो इन्होंने बोला, मैं उस आदमी को सामने ला के बुलवा दूंगा 24 करोड़ हो जाएगी, तो यार मैं 5 करोड़ के लिए छोड़ जाऊंगा। और आप सोचो कि एक स्टेबल जगह से आदमी जब बाहर निकलता है ना तो वो कुछ करने के लिए निकलता है, और आप ऐसा सिस्टम बना दोगे कि कोई बाहर ही नहीं जा पाएगा, मतलब एक अजीब तरह की आपने मतलब वो बना दी कि नहीं हम क्या कर रहे हैं जो सर। जाएगा तो नहीं उसके हाँ, ऊपर अलग तरह के एलिगेशन लगाएंगे, नहीं कोई ऐसा तक भी गिर सकता है क्या? हमने 3 साल सिस्टम को बनाया, दिन और रात मेहनत की सिस्टम के तब तक हम साथ, लोग ठीक बहुत है, अच्छे थे। नहीं मेहनत से, आप बताओ प्रॉपर तरीके से हम एंड कर रहे हैं सिस्टम को बनाने के बाद, आप बताओ प्रॉपर तरीके से एंड हाँ, कर रहे इनका हैं? पै लेके क्या जा रहा है हाँ, कंटेंट, क्या लेके आपको जा रहे हैं? सारा दे के पूरा जा रहे हैं, कंटेंट दे के आप जा उसे रहे हैं रखो ना बैच आपको, में पढ़ाओ बच्चों को, हमने तो बोला है ना जो नहीं YouTube पे हमारा पढ़ाया फ्री पढ़ाओ, दो बच्चों को आप हर तरीके से यूज करो, हमने कभी आपको मैसेज किया कि हम नहीं करें, हाँ मत नहीं करो ये हम। कहाँ की इंसाफी है कि आपका पूरा सिस्टम बनाया, 3 साल आपका प्रॉपर वर्क किया और एंडिंग भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से रेजिग्नेशन दिया, प्रॉपर तरीके से हम बच्चों का पूरा कोर्स खत्म कर रहे हैं, फिर भी आप इस, यानी आपकी ये गलत तरीके से आपका हो जाएगा कि नहीं हम अगर कोई भी पीडब्ल्यू छोड़ेगा तो उसका कैरियर बर्बाद कर देंगे, हम उसके ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, हाँ, मतलब अब ये आपके बिल्कुल डर सही का बात है, माहौल क्रिएट करना चाह बिल्कुल रहे हो सही। पीडब्ल्यू के अंदर और कि एक सबसे आप बड़ी कोई, बात तो ये है कि हम देखो, हम लोगों की पंकज सर के साथ बहुत घनिष्ठ मित्रता है और पीडब्ल्यू में मित्रता चलती भी है। जिस टी शर्ट को सर दिखा रहे थे उस टी शर्ट को हम लोगों ने खाल की तरह खाल की पहना है, मतलब आप समझो खाल की कि तरह ऐसे पहना पहना उसे कि इतनी दिन क्लास और ली है। रात, सर मैं दिन सोता भी वो टी शर्ट पहन के हूं, मतलब ये हालत थी, बच्चे कहते थे कि आपके पास टी शर्ट ही नहीं है, खाल की तरह चिपका के रखा है, हम भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे उस टी शर्ट की। ठीक है, ऑलरेडी ऐसा नहीं है बेटा कि कोई भी चीज यूं ही एकदम हो जाती है। अगर मैं दिखाऊं आपको, एक हम मिनट, लोग सिर्फ एक मिनट सर, इस वजह से, सर एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुकिए, आपको क्या लगता है हमने ऐसे एकदम डिसीजन ले लिया? ये देख लीजिए, ये अरे देखिए, तरुण सर रोइए नहीं।
प्रतीक सर की बात चल रही है ना, प्रतीक सर की बात चल रही है। ऑलरेडी टाइम देख लीजिए, कब का टाइम है, 11 जनवरी का टाइम है। 11 जनवरी को हमने ऑलरेडी प्रतीक सर को पहले दे दिया था मैंने। एक मिनट देखिए सर, एक मिनट रुकिए सर, आई एम हाईली डिप्रेस्ड सर, एक मिनट रुकिए सर, सर एक मिनट, सर एक मिनट देखिए, अरे चुप हो यार। प्रतीक सर की बात चल रही है सर, आई एम हाईली डिप्रेस्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड सर, ऐसे मत करो सर, चुप हो जाओ आप सर। सच्चे लोगों से आप जीत नहीं पाओगे सर, जीत नहीं पाओगे, बता रहा हूं मैं। कुछ नहीं, इस तरीके से रो रहा है सर, रो रहा है लोग जो आपके लिए काम किया था सर। आप नहीं बच पाओगे, झूठे झूठे आरोप, नहीं बच पाओगे सर। एक सच्चा टीचर नहीं, एक सच्चा टीचर का जवाब आपको मिला नहीं है। आप जवाब जिस दिन मिलेगा आप डर जाओगे सर। हमें नहीं, सैलाब आएगा बच्चों तुम्हें मदद करना होगा हमें। मैं बताऊंगा सर, कुछ नहीं, हम लोग जवाब देंगे सर, आज बताऊंगा सर। अरे प्लीज सब करो सर, बच्चों कोई जवाब नहीं देंगे। मेरा फोन कहाँ है सर? सॉरी बस, आप लोग खत्म कर दो हम लोग कैरियर, मगर हम लोग मरते दम तक ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। ऐप पे भी फ्री पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे भी फ्री पढ़ाएंगे। नहीं सर, इनको एक चीज करते ना, आप एक काम करो ना, आपकी कंपनी 2000 करोड़ की है, आपने 300 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है, बच्चों को दो ये पैसा, आप फ्री कर दो सारे ऐप के बैच, हम भी फ्री कर, हम जिससे भीख मांग के ऐप बनवाएंगे उससे बोलेंगे कि हमें फ्री पढ़ाना है, ऐप पे फ्री पढ़वा दो आप। मैं तैयार हूँ पूरी जिंदगी भर फ्री पढ़ाने के लिए, आप तैयार हो? यूट्यूब पे भी पैसा वापसी करो सारे बैचेस का, फ्री पढ़ाएंगे और यही यही वीडियो हम चलाएंगे अभी। अभी आपको पता नहीं है जिस जिस आदमी ने, जिन लोगों ने मर के आपके मतलब आपके लिए पढ़ाया, यही वीडियो चलाएंगे और यही वीडियो यही जवाब। बच्चों तुम लोगों को पता होगा मैंने 10 दिन क्लास नहीं लिया था। बच्चों मैंने इनको उसी टाइम पे बोला था, कोटा में हंगामा हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं सर, देखो कोटा को मतलब बर्बाद कर दिया बच्चों का पैसों को इन लोगों ने। बच्चों को टेंशन नहीं देना चाह रहे थे बच्चों, मैं पहला टीचर हूँ, पहला इमोशन है बच्चों, हमने खड़ा किया है। एक एक कॉम्पिटिटर मैंने लाया फिजिक्स का, दम आए किसी को तो बोलो, पढ़ाए आके दिखाऊंगा क्या करता हूँ। डर का खत्म हो जाओगे तुम, खत्म, पढ़ाऊंगा सर बच्चों को, एक रुपया नहीं लूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा बच्चों को सर, देश के बच्चों को पढ़ाएंगे, फ्री पढ़ाएंगे सर। सर मैं आप लोगों के साथ नहीं आया था, मैं अकेला था बेटा, अकेला, मैं बता रहा हूँ और एक एक प्रूफ दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग सब चीजें अलग सर। बच्चों मैं बंद कर रहा हूँ, सॉरी, गलत कर रहे हो, गलत सर, गलत गलत।